एक नई वीडियो के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं। कोर्स फाइव की यूनिट फर्स्ट में कोर्स फाइव की यूनिट में आज हम लोग कोर्स फाइव की यूनिट फर्स्ट में क्या है वेस्टर्न थिंकर है ना। कोर्स फाइव का नाम क्या है? अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट में यूनिट फर्स्ट में है वेस्टर्न थिंकर्स। क्या है पहले का भी क्या है वेस्टर्न थिंकर्स। वेस्टर्न थिंकर्स वेस्टर्न थिंकर्स से इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। वेस्टर्न थिंकर में जानते हैं वेस्टर्न थिंकर में किसके बारे में बात करेंगे आज हम जॉन डीवी। सर कुछ हम देखेंगे इसके बारे में कि जान डीवी कौन थे, जान डीवी कौन थे, क्या थे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं पाश्चात्य विचारक में जान डीवी इसे देख रहे हैं। तो एक बहुत ही बड़े प्रसिद्ध दार्शनिक, शिक्षा शास्त्री और प्रयोजनवादी विद्वान थे और इनका जो जन्म हुआ था वो अमेरिका में हुआ था। अमेरिका के रहने वाले हैं और अमेरिका के वर्मान के वर्लिंगटन नामक नगर में इनका जन्म कब हुआ था? 1859 को, है ना। तो जन्म हुआ था सर 93 वर्ष की आयु में 1992 में। जो इनका निधन हुआ था वो कब हुआ था? 93 वर्ष की आयु में 1992 में। इस तरीके से इनके जन्म और निधन के बारे में हम लोगों ने देखा है। अब थोड़ा सा इनका देख लेते हैं शिक्षा दीक्षा कैसी थी, क्या इनका कार्य था शिक्षा के क्षेत्र में, तो उसके विषय में भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये जॉन डीवी जो थे इनका जन्म यहाँ पे हुआ था और ये काफ़ी प्रसिद्ध और इनकी जो शिक्षा दीक्षा थी वो सब अमेरिका में हुई। अमेरिका के
बर्मांड हॉपकिंस में इनका शिक्षा दीक्षा हुई और यहीं से इन्होंने पीएचडी की भी उपाधि प्राप्त की। दर्शन शास्त्र में ही इन्होंने पीएचडी की थी और सन 1879 ईस्वी में मिनेसोटा विश्वविद्यालय में ये प्राध्यापक भी हुई। कब? 1879 ईस्वी में कहाँ प्राध्यापक हुए? मिनेसोटा विश्वविद्यालय में। लिख लेते हैं 1800, इसको मिटा देते हैं। अठारह सौ नवासी किस विश्वविद्यालय में? मिनेसोटा विश्वविद्यालय में 1889 पश्चात 1894 में शिकागो विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के विभाग अध्यक्ष हुए, है ना। 1894 में कहाँ गए ये? 1894 में शिकागो विश्वविद्यालय पश्चात 1896 में शिकागो विश्वविद्यालय में इन्होंने प्रयोगात्मक विद्यालय की स्थापना की। कब? 1896 में। प्रयोगात्मक विश्वविद्यालय की यहाँ पे इन्होंने स्थापना की। कब की? 1896 ईस्वी में इन्होंने यहाँ पे प्रयोगात्मक विद्यालय की क्या की? स्थापना की। अब उसके बाद 1904 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्री विभाग अध्यक्ष हुए। कब? 1904 में कोलंबिया विश्वविद्यालय 1904 ऊपर 1904 में ये
तो इस तरीके से इन्होंने मिनेसोटा विश्वविद्यालय, सिडाको विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय, इन तमाम फेमस या जाने माने विश्वविद्यालयों में इन्होंने प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। और कोलंबिया विश्वविद्यालय में ये काफ़ी लंबे समय तक कार्य किए थे और सन 1930 तक या उसके पहले 1904 से लेकर के 30 तक ही अपने विचारों के, अपने दार्शनिक विचार, शैक्षिक विचार के प्रचार प्रसार के लिए ये काफ़ी कार्य किए। और इसके लिए इन्होंने बहुत सारे देशों का भ्रमण किया और इस तरीके से 1930 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से ये अवकाश ग्रहण किया, है ना, अवकाश इन्होंने ग्रहण किया कब, 1930 ईस्वी में, है ना, 1930 ईस्वी में इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से क्या किया, अवकाश ग्रहण किया। तो कब, 1930 कोलंबिया विश्वविद्यालय से, यहाँ पर किस विश्वविद्यालय में बहुत लंबे समय तक काम, कोलंबिया विश्वविद्यालय से ये अवकाश प्राप्त की और अपने विचार, शैक्षिक विचार, दार्शनिक विचार के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने संसार के अनेक देशों में भ्रमण भी किया। और इस तरीके से ये काफ़ी फेमस हुई और इससे संबंधित कुछ बहुत महत्वपूर्ण किताबें भी हैं, रचनाएं भी हैं जिनमें इनके विचार की काफ़ी, उनको पढ़ करके समझ करके उनके विचारों से काफ़ी कुछ सीखा जा सकता है, ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। जिसमें अगर हम देखें तो कुछ महत्वपूर्ण किताबें, पुस्तकों का नाम है, इनकी रचनाएं जिसमें इनके विचार उसमें व्यक्त हुए हैं। और इस तरीके से द स्कूल एंड द सोसाइटी, ये 1899 में, द चाइल्ड एंड द करिकुलम 1902 में रचना हुई थी, हाउ वी थिंक किस प्रकार से, ये 1910 में, इंटरेस्ट एंड एफर्ट इन एजुकेशन, स्कूल्स ऑफ टुमारो, डेमोक्रेसी एंड स्कूल, रिकंस्ट्रक्शन इन फिलॉसफी, एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन, सोर्सेज ऑफ साइंस एजुकेशन, एजुकेशन ऑफ टुडे, प्रॉब्लम्स ऑफ मैन, नोइंग एंड द नोन। तो इस तरीके से कुछ प्रमुख किताबें थी, कुछ रचनाएं थी जो प्रमुख किताबों की इन्होंने रचना की और इनमें इनके विचारों को संग्रहित किया गया है। और इस तरीके से ये प्रमुख किताबें हैं जिनमें इनके सारे विचारों को पढ़ करके, देख करके अच्छे तरीके से समझा जा सकता है, बहुत अच्छी किताबें हैं। तो अब हम लोग देखते हैं जॉन डेवी के दार्शनिक विचार, ये देखेंगे कि क्या दार्शनिक विचार है।
उसके हम लोग जान दीदी के दार्शनिक विचार। आइए हम लोग देखते हैं जान दीदी के दार्शनिक विचार। तो जहाँ देवी के दार्शनिक विचार क्या हैं इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रमुख जो बातें हैं, जान देवी एक तरीके से प्रयोगवादी दार्शनिक विचारधारा के प्रयोजनवादी है ना, किसके रूप में बहुत प्रसिद्ध है, प्रयोजनवादी। जहाँ भी प्रयोजनवादी नाम आएगा तो वहाँ जान देवी का नाम जरूर आएगा, क्योंकि उन्होंने प्रयोजनवाद के संदर्भ में बहुत सारे कार्य किए हैं। और इस तरीके से प्रणेता तो विलियम जेम्स और सेंडर पियर्स हैं जो इसके जन्मदाता हैं, लेकिन इन्होंने जान देवी ने उसके विचार प्रचार प्रसार और उसके स्थापना में बहुत बड़ा योगदान दिया। यानी एक तरीके से अगर हम कहें तो जान देवी के ही रूप में प्रयोजनवाद को जाना जाता है, और जान देवी ही प्रयोजनवाद के सबसे बड़े विद्वानों में इनका नाम आता है। तो जान देवी प्रयोजनवादी दार्शनिक विचारधारा के तरीके से ये प्रणेता कहा जाता है इनको, है ना। तो ये प्रयोजनवादी दार्शनिक विचारधारा के प्रणेता के रूप में अपने मौलिक विचारों का प्रकटन किया है। तो जान देवी किसके बारे में जानते हैं, प्रयोजनवादी दार्शनिक विचारधारा के प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं। देख लेते हम लोग प्रयोजनवादी दार्शनिक विचारधारा के प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं। दार्शनिक ले सकते हैं, दार्शनिक विचारधारा के प्रणेता के रूप में ये जाने जाते हैं। और जो प्रयोजनवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया है, जिसने उसको प्रारंभ किया, उनका नाम है विलियम जेम्स और सेंडर पियर्स। विलियम जेम्स एंड सेंडर पियर्स, विलियम जेम्स विलियम जेम्स और सेंडर पियर्स का नाम लेंगे। लेकिन अगर ऐसे प्रश्न आता है प्रणेता कौन है, यानी प्रयोजनवादी विचारधारा का प्रणेता, तो उसमें नाम आएगा जान डीवी महोदय का। इस तरीके से देखिए, नई विचारधारा ये बनी थी अमेरिका में, इसका जन्म हुआ था इस विचारधारा का। और जान डीवी का एक उत्कृष्ट प्रयोजनवादी
जिसको कहते हैं निमित्तवादी अथवा साधनवादी अथवा उपकरणवादी के रूप में अपना महत्वपूर्ण स्थान निरूपित किया है ना। इसको साधनवादी, प्रयोजनवादी, निमित्तवादी, उपकरणवादी, अर्थक्रियावादी, प्रयोगवादी, अनुभववादी, इनको बहुत सारे नामों से भी हिंदी में निरूपित किया जाता है। तो जाह्नवी का निमित्तवाद, उपकरणवाद, साधनवाद, प्रयोजनवाद, प्रयोगवाद, अनुभववाद, अर्थक्रियावाद, ये क्या है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो जाह्नवी का नैमित्तिकवाद, पहली बात क्या है, जाह्नवी का नैमित्तिकवाद या इसको इंग्लिश में इंस्ट्रूमेंटलिज्म ऑफ जाह्नवी है ना, यानी जाह्नवी का क्या नैमित्तिकवाद या इसको इंस्ट्रूमेंटलिज्म ऑफ जाह्नवी भी कहते हैं। तो उसको इंग्लिश में इंस्ट्रूमेंटलिज्म बोलते हैं और हिंदी में इसको नैमित्तिकवाद बोलते हैं। चलिए देख लेते हैं जाह्नवी का नैमित्तिकवाद क्या है। नैमित्तिकवाद इसको इंस्ट्रूमेंटलिज्म भी बोलते हैं। तो नैमित्तिकवाद क्या है, इसको साधनवाद, उपकरणवाद बहुत सारे नामों से जानते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटलिज्म। नैमित्तिकवाद, उपकरणवाद, प्रयोगवाद, अनुभववाद, ये बहुत सारे कारणों से इसको जानते हैं। लेकिन नैमित्तिकवाद क्या है, नैमित्तिकवाद का आशय है कि जो भी विचार है इसका अगर हम आशय देखते हैं साधारणार्थ में, तो नैमित्तिकवाद का आशय यह है, इसका तात्पर्य यह है कि जो भी ज्ञान है, विचार है, नियम है, अनुभव है, सिद्धांत है, नियम है, वे सभी साध्य ना होकर के साधन है। वैसे भी क्या है, साध्य ना होकर के क्या है, साधन है। निमित्त का मतलब क्या होता है, निमित्त का मतलब होता है कारण है ना, या इसको उपकरण बोलते हैं, साधन बोलते हैं। तो निमित्तवाद का ही यह आशय है, इसका आशय देखने के लिए तो निमित्तवाद का आशय है, देख लेते हैं नैमित्तिकवाद का आशय है, जो भी ज्ञान, जो भी विचार, विचार नियम
जो भी नियम है, विचार है, भावना है, अनुभव है, सिद्धांत है, वो साधन होकर के साधन मात्र है। साधन का मतलब उपकरण, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको उपकरण बोल सकते हैं। यानी ये क्या है, ये जो जीवन की समस्याएं हैं, व्यक्ति के सामने अनेक तरीके की समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को समाधान के रूप में इन साधनों का उपयोग किया जाता है, ज्ञान का, विचार का, अनुभव का, नियम का, सिद्धांत का, और इनको उपकरण के रूप में उपयोग करके उन सारी समस्याओं को हल किया जाता है। वो सारी समस्याओं को हल करने में ये सारे साधन, ये सारे उपकरण व्यक्ति की मदद करते हैं, है ना। तो इसलिए ये साधना होकर के क्या है, साधन है। इसलिए इन्होंने जान डेवी ने साध्य की अपेक्षा साधन को अधिक महत्वपूर्ण माना, इसलिए महत्वपूर्ण माना क्योंकि बगैर साधन के हम साध्य तक नहीं पहुंच सकते हैं या अपनी समस्या को हल करने में समर्थ नहीं होंगे जब तक कि हम किसी साधन का उपयोग नहीं करते हैं। तो ये प्रश्न बनता है, कई बार पूछा भी गया जान डेवी कि व्यक्ति को आप में साध्य और साधन में किसको अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, है ना। तो ध्यान में रखना कि ये साध्य की अपेक्षा साधन को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। तो लिख लीजिए जान डेवी, ज्ञान डेवी साध्य की अपेक्षा, साध्य की अपेक्षा, साध्य की अपेक्षा साधन को, साधन को महत्वपूर्ण मानते हैं, महत्वपूर्ण मानते हैं, महत्वपूर्ण मानते हैं, है ना। ये साध्य की अपेक्षा साधन को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं कौन, जान डेवी। तो इस तरीके से क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि ये सभी जीवन के सृजन तथा चरम उद्देश्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण सहायता करते हैं। क्यों महत्वपूर्ण है बातें आती है, ये सभी जो जीवन के सृजन है, निर्माण है, और जो जीवन के उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने में महत्वपूर्ण सहायता करते हैं। तो लिख लीजिए ये सभी जीवन के सृजन, जीवन के सृजन, जीवन के सृजन और उद्देश्यों की प्राप्ति में इसलिए महत्वपूर्ण है और ये जीवन के लिए आवश्यक है, क्योंकि ये जीवन के जो सृजन है और उसके जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में ये महत्वपूर्ण इनका योगदान होता है, ये सहायता करते हैं। तो रस्क महोदय ने इनके नैमित्तिकवाद की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जान डेवी का निमित्तवाद प्रत्येक पदार्थ, जान डेवी का निमित्तवाद क्या है, जान डेवी का निमित्तवाद प्रत्येक पदार्थ के समसामयिक यानी करंट में जो महत्व है उसको स्वीकार करता है, यानी वर्तमान के महत्व को स्वीकार करता है, यानी भूत कैसा था भविष्य कैसा होगा इसको नहीं महत्व देता बल्कि करंट यानी वर्तमान के महत्व को यह ज़्यादा समझता है और प्रत्येक पदार्थ के समसामयिक महत्व को स्वीकार करता है इसलिए, और शाश्वत सत्य अथवा आदर्शों से दूर रह करके, और जो शाश्वत सत्य बात है आदर्श है उससे दूर रह करके एक साधन मानता है, क्या मानता है, एक साधन मानता है, साध्य स्वीकार नहीं करता है। तो यही कहना है कि जो प्रत्येक पदार्थ है उसके समसामयिक महत्व को स्वीकार करता है और शाश्वत सत्य अथवा आदर्शों से दूर रहता है और दूर रह करके ज्ञान को एक साधन
मानता है, ज्ञान को क्या मानता है, साधन मानता है। तो ये किसका कथन है, रस्क महोदय का। तो देख लेते हैं रस्क महोदय ने इनके सिद्धांत की व्याख्या इस प्रकार से की है, तो देख लेते हैं। तो रस्क महोदय ने इनके सिद्धांत की व्याख्या कुछ इस तरीके से की है। रस्क महोदय महोदय ने इनके सिद्धांत की व्याख्या कुछ इस प्रकार की है कि प्रत्येक पदार्थ के समसामयिक महत्व को स्वीकार करता है। दूसरी बात बताया कि यह प्रत्येक पदार्थ के समसामयिक महत्व को स्वीकार करता है। दूसरी बात मैंने क्या बताया कि शाश्वत सत्य आदर्श से दूर रहता है। अर्थात इसका मतलब क्या होगा कि यह शाश्वत सत्य व आदर्शों पर विश्वास नहीं करता और ज्ञान के साधन की मुक्ति स्वीकार करता है। ज्ञान को एक साधन के रूप में, ज्ञान को एक साधन के रूप में स्वीकार करता है। रस्क महोदय ने इनके इस सिद्धांत की व्याख्या में ये तीन बात बताई। पहली बात उन्होंने क्या बताया कि जो जड़ की निवृत्तिवाद है वो जड़ की निवृत्तिवाद प्रत्येक पदार्थ के समसामयिक महत्व को स्वीकार करता है। यानी जो पदार्थ है इसका मतलब ये हुआ कि वह भूत और वर्तमान, भूत और भविष्य के विचार में नहीं जाता, बल्कि जो पदार्थ है उसके वर्तमान समय में उसका महत्व क्या है, है ना, करंट में उसका क्या महत्व है, उसके महत्व को ये मानता है। और दूसरी बात जो शाश्वत सत्य हैं, आदर्श हैं, उससे भी यह दूर रहता है। दूसरी क्या रहता है, ये अपने आप को दूर रखता है। तीसरी बात क्या है, यह ज्ञान को, विचार को, भावना को, समय को, सिद्धांत को क्या मानता है, ये साधन के रूप में मानता है, न कि साध्य के रूप में मानता है। ये तीन महत्वपूर्ण बातें रस्क महोदय ने जानकारी के संबंध में बताया कि किस तरीके से जानकारी का निवृत्तिवाद है। रस्क महोदय ने जानकारी चीजें उन्होंने बताई कि प्रत्येक पदार्थ का समसामायिक महत्व होता है और समसामायिक महत्व को स्वीकार करता है, शास्त्र सत्य और आदर्शों से दूर रहता है। तीसरी बात, ज्ञान को एक साधन के रूप में मानता है, ज्ञान को एक साधन के रूप में मानता है। इस तरीके से रस्क महोदय ने ज्ञान के निमित्त की बात की है कुछ इस रूप में की। ठीक है, तो जानकारी ने उनके बात को कुछ इस तरीके से व्याख्यायित किया है। इसमें तीन बातें हैं कि प्रत्येक जो पदार्थ है उसका समसामयिक महत्व है, और जो शाश्वत सत्य हैं और आदर्श हैं उनसे यह दूर रहता है, और ज्ञान को एक साधन के रूप में स्वीकार करता है न कि साध्य के रूप में। तो इस तरीके से रस्क महोदय ने व्याख्या कुछ इस प्रकार से की। चलिए अब हम लोग अगला देख लेते हैं। जॉन डीवी ने स्वयं अपने इस निमित्तवाद विचारधारा को किस रूप में स्पष्ट किया है, स्वयं अपने इस निमित्तवाद विचारधारा की व्याख्या किस रूप में की।
व्याख्यायित किया है उसका किस तरीके से इन्होंने परिभाषित किया। तो जान देवी ने स्वयं अपने निमित्तवाद विचारधारा को स्पष्ट करते हुए ये कहते हैं कि जो निमित्तवाद है साधनवाद है एक सिद्धांत है ना। सबसे पहली बात क्या है, निमित्तवाद या साधनवाद एक सिद्धांत है। सबसे पहली बात है कि ये जो निमित्तवाद है ये क्या है, एक सिद्धांत है। निमित्तवाद क्या है, सिद्धांत। निमित्तवाद या साधनवाद इसको कह सकते हैं, हम करणवाद भी कह सकते हैं, बहुत सारे नाम कह सकते हैं। इन्होंने पहली बात करना है कि निमित्तवाद क्या है, सिद्धांत। निमित्तवाद क्या है, सिद्धांत है। सबसे पहली बात मानते हैं निमित्तवाद क्या है, सिद्धांत है, जो मन और विचार से प्राणियों की सहायता में साधन के रूप में क्या करता है, साधन अथवा निमित्त होता है। साधन अथवा निमित्त होता है किसमें, जो मन और विचार से प्राणियों की सहायता में साधन या इसी को दूसरे शब्दों में निमित्त होता है, है ना। ये से क्या है, निमित्तवाद एक सिद्धांत है जो मन और विचार से प्राणियों की सहायता में साधन होता है। जो दूसरी बात क्या है, जो जो मन तथा विचार निमित्तवाद सिद्धांत है जो मन तथा विचार से प्राणियों की सहायता में क्या करता है, साधन के रूप में कार्य करता है। कैसे करता है, साधन के रूप में कार्य करता है। तीसरी बात फिर क्या है, शिक्षा दर्शन में यह वह नियम है जो विषयगत मूल्यों में प्राथमिक रूप से बाहर से आया है, है ना। शिक्षा दर्शन में यह वह नियम है जो विषयगत मूल्यों में प्राथमिक रूप से बाहर से आया हुआ होता है। इसी बात कहते हैं क्या है, यह विषयगत नियम ऐसा विषय नियम इसमें शिक्षा दर्शन विषय नियम जो जो कहां से आया है, बाहर से आया होगा, जो बाहर से आया होगा, जो कहां से आया होता है, बाहर से आया होता है, और तथा स्वयं के लिए ग्रहणशील होने के बजाय जीवन को संशोधित करते हुए प्रयोग में लाया जाता है। जो स्वयं के लिए ग्रहणशील होने के बजाय, जो बाहर से आया है, जो स्वयं के लिए ग्रहणशील होने के बजाय, यानी स्वयं के लिए ग्रहणशील न हो करके बल्कि जीवन को क्या करता है, संशोधित करने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। यह स्वयं के लिए न होकर जीवन को संशोधित करने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। यह सिद्धांत है, यह स्वयं के लिए मन होकर न होने के बजाय जीवन को
पहले ही प्रयोग में लाया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। ठीक, ये तीन चार बातें हमने बताई अपने सिद्धांत में कि सबसे पहली बात क्या समझ लेते हैं, कहते हैं निमित्तवाद एक सिद्धांत है। क्या कहते हैं? निमित्तवाद क्या है? सिद्धांत है, ऐसा सिद्धांत है, ऐसा सिद्धांत है जो मन तथा विचार से प्राणियों की सहायता में एक साधक के रूप में कार्य करता है। ऐसे मन और विचार से प्राणियों की सहायता में एक साधक के रूप में कार्य करता है। फिर तीसरी बात है कि यह एक विषयगत नियम है, क्या है? विषयगत नियम है, नियम होता है जो कहां से आया होता है? बाहर से आया होता है। सिद्धांत नियम को हम कहीं से ग्रहण करते हैं, बाहर से आया होता है या स्वयं के लिए ना हो करके, क्या कहता है? या स्वयं के लिए ना हो करके बल्कि स्वयं के लिए होने के बजाय क्या कहता है? जीवन को संशोधित करने के लिए लाया जाता है। जीवन को संशोधित का मतलब है जो जीवन में समस्याएं हैं, जो कठिनाइयां हैं, जीवन में जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को, उन कमियों को ठीक करके या ठीक करने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। ये ज्ञान योगी अपने निमित्तवाद की स्वयं व्याख्या करते हैं। ये तीन चार चीजें हैं जो इनके निमित्तवाद को जानने के लिए समझनी है कि क्या है। निमित्तवाद एक सिद्धांत है जो मन और विचार से प्राणियों की सहायता करता है। यह एक विषयगत नियम है जो बाहर से आया है और यह स्वयं के लिए ना हो करके, यह नियम स्वयं के लिए ना हो करके जीवन को संशोधित करने के रूप में लाया जाता है। अर्थात जीवन में जो समस्याएं हैं, जो कठिनाइयां हैं, जो बुराइयां हैं, उसका यह संशोधन करता है, उस संशोधन करने हेतु इसका उपयोग करता है। तो इस तरीके से जान डीवी ने अपने निमित्तवाद की स्वयं व्याख्या की कि यह निमित्तवाद एक सिद्धांत है ना, जो मन और विचार से प्राणियों की सहायता करने में एक साधन होता है, निमित्त है। और शिक्षा दर्शन में वह नियम, यानी शिक्षा दर्शन में यह नियम या सिद्धांत जो विषयगत मूल्यों में कहाँ से, प्राथमिक रूप से बाहर से आया होता है। और तीसरी चीज क्या है? वह स्वयं के लिए ग्रहणशील होने के बजाय, यानी वह स्वयं के लिए कुछ ना करके बल्कि जीवन को संशोधित करने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। क्या करता है? जीवन को संशोधित करता है। तो इस तरीके से, इस प्रकार जान डीवी साधन की अपेक्षा, हम देख रहे हैं कि साध्य साधन की अपेक्षा, साध्य की अपेक्षा साधन को ज्यादा महत्व देते हैं, निमित्त को यानी साधन को सर्वोच्च स्थान देते हैं। और उनका विचार है कि बिना साधन के, बिना साधन के, बिना उपकरण के हम साध्य तक पहुंचना मुश्किल है, असंभव है, कठिन है, इसलिए साधन को ये ज़्यादा महत्व देते हैं। और जैसे किसी का साध्य, अगर हम एक उदाहरण के माध्यम से समझें, जैसे किसी का साध्य या हो सकता है कि हमको संगीतज्ञ बनना है, ये तो उसका साध्य है, लेकिन क्या बगैर साधन के संगीतक बन सकता है? उसके लिए उसको संगीत के नियमों, उसके कानूनों, सुर लय ताल है ना, उजियाज, अनुभव, अभ्यास, ये सारी प्रक्रियाओं से गुजरते ही वह एक संगीतक बन सकता है। तो ये सारी प्रक्रियाओं में गुजरने के लिए वह बहुत सारे नियम, बहुत सारे सिद्धांत, बहुत सारे उपकरण, बहुत सारे साधन की सहायता लेता है, तब यानी साधन के द्वारा ही वह साध्य तक पहुंचता है। इसलिए कहते हैं कि साध्य तक पहुंचने के लिए साधन आवश्यक है, बगैर साधन के साध्य तक पहुंचना संभव नहीं है, इसलिए साधन साध्य की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। इस तरीके से साध्य पर ही काफ़ी बल न दे करके साधनों पर अधिक बल देते हैं, और जो साध्य तक आसानी से पहुंचने के एक साधन है और इनके बगैर उन तक नहीं पहुंचा जा सकता है। तो जान देवी के निमित्तवाद को एक तरीके से उपकरणवाद भी कह सकते हैं, क्योंकि यह ज्ञान को बाह्य वातावरण से समायोजन, यानी जो बाहरी वातावरण है
उससे समायोजन स्थापित करने में एक साधन है, एक उपकरण है, जिसका प्रयोग करके व्यक्ति बाहरी वातावरण से क्या करता है, समायोजन स्थापित करता है। अगर ये ना हो तो वह बाहरी वातावरण से समायोजन स्थापित नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से देवी का साथी यह भी मानना है कि जब किसी व्यक्ति के सामने, जब कोई व्यक्ति है और उसके सामने कोई समस्या उत्पन्न होती है, व्यक्ति है और उसके सामने कुछ समस्या उत्पन्न होती है, उस समस्या के समाधान के लिए व्यक्ति के मन में कुछ सोच आता है, कुछ विचार आता है, या कुछ नियम या कुछ सिद्धांत जो बाहरी रूप से मदद लेता है, वह एक उपकरण के रूप में उसकी सहायता करके, उसका प्रयोग करके अपनी समस्याओं को, अपनी कठिनाइयों को, अपनी बुराइयों का संशोधन करता है और उसका हल निकालता है। इस तरीके से मनुष्य के जीवन में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो उन समस्याओं के समाधान के लिए उसके मन में विचार उत्पन्न होते हैं और उस ज्ञान को वह उपकरण के रूप में प्रस्तुत करता है। किस रूप में? जो विचार उत्पन्न होते हैं वह विचार को अपनी समस्या के समाधान के लिए एक उपकरण के रूप में वह प्रयोग लाता है और अपने ज्ञान रूपी उपकरण की सहायता से अपनी समस्याओं के निदान के लिए समाधान करता है। अतः ज्ञान किसी परिस्थिति का क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञान किसी परिस्थिति का विमर्शात्मक अथवा बौद्धिक समझ है। क्या है? ज्ञान किसी परिस्थिति का विमर्शात्मक अथवा बौद्धिक क्या है, समझ है। तो चांडीवी ऐसे किसी ज्ञान को निरर्थक मानते हैं। साथ ही चांडीवी का यह भी मानना है कि ऐसे कोई भी ज्ञान, सारे ज्ञान निरर्थक हैं। क्यों निरर्थक हैं? क्योंकि इसमें क्रियात्मकता नहीं होती। इनके साथ में ये भी कहना है कि वह सारे ज्ञान निरर्थक हैं। ज्ञान सार्थकता होगा जब उसमें क्या होगी, क्रियात्मकता। ये कहते हैं कि सारे ज्ञान क्रियात्मकता, यानी ज्ञान तभी सार्थक है जब उसमें क्रियात्मकता होगी। अगर क्रियात्मकता नहीं तो ज्ञान क्या है, निरर्थक है। बगैर क्रियात्मकता के ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। तो इसलिए मानते हैं कि वही ज्ञान सार्थक है जिसमें क्रियात्मकता होगी, और जिसमें क्रियात्मकता नहीं वो ज्ञान क्या है, बेकार है, निरर्थक है। क्रियात्मक ज्ञान व्यक्ति के अनुभव को प्रखर बनाता है। व्यक्ति जब क्रिया करता है, कार्य करता है, अभ्यास करता है, तो जो उसका ज्ञान है, जो उसका अनुभव है, उसमें प्रखरता आती है, उसमें कुशलता आती है और व्यक्ति उस प्रखरता और कुशलता को प्राप्त करके शीर्ष पर पहुंचता है। तो इस तरीके से क्रियात्मक ज्ञान व्यक्ति के अनुभव को प्रखर बनाता है, कुशल बनाता है और उस अनुभव से व्यक्ति ज्ञान को एक साधन के रूप में क्रियात्मक रूप से अनुप्रयोग करके, उसका उपयोग करके अपनी समस्या का समाधान करने के योग्य होता है, समर्थवान होता है। अतः हम कह सकते हैं कि देवी ज्ञान को कर्म करने का एक उपकरण मानते हैं। क्या मानते हैं? देवी ज्ञान को कर्म करने का क्या मानते हैं? एक उपकरण मानते हैं। देवी ज्ञान को कर्म करने का एक उपकरण मानते हैं। ज्ञान को क्या मानते हैं? ज्ञान को कर्म करने का उपकरण मानते हैं। इसको ज्ञान को कर्म करने के लिए क्या उपकरण मात्र मानते हैं। और अतः इस तरीके से निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि जान डीवी का निमित्तवाद, साधनवाद अथवा उपकरणवाद, क्रियावाद, प्रयोगवाद में ज्ञान की क्रियात्मकता का हिमायती है और किसी साध्य तक पहुंचने में ज्ञान की महत्ता को निरूपित करता है। वस्तुतः साधन से ही हमें साध्य की प्रतीतियों उपलब्धि होती है, इसके साधन से ही हमें साध्य की प्राप्ति होती, उपलब्ध होती है। इसलिए ही क्या है, साधन महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से जान डीवी के निमित्तवाद से यह समझ में आया या यह निष्कर्ष निकला कि जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, जीवन में आने वाली कठिनाइयां हैं, उनको उन
उनका निदान करने के लिए जो बाहरी से प्राप्त ज्ञान है, उस बाहरी प्राप्त ज्ञान को हम क्रियात्मक या कर्म करते हैं और कर्म करके क्रियाशील होते हैं, क्रियाशील होकर के अपने अनुभव को प्रखर बनाते हैं, कुशल बनाते हैं, और हम इस तरीके से कुशल प्रखर बौद्धिक रूप से हो जाते हैं कि हम अपनी समस्याओं को समाधान करने के अपने आप को समर्थ पाते हैं, कुशल पाते हैं, और इस तरीके से ज्ञान रूपी जो साधन है, कर्म करने का साधन है, उपकरण है, इसका उपयोग करके हम अपने जीवन की विभिन्न समस्याओं का निदान कर सकते हैं। इसलिए ज्ञान देवी का निमित्तवाद बहुत महत्वपूर्ण है, जो साधन पर ज्यादा बल देता है, साध्य की अपेक्षा इसलिए बल देता है क्योंकि बगैर साधन के साध्य की उपलब्धि होना संभव नहीं है, और जो ज्ञान है वह क्रियात्मक है, ज्ञान में अगर क्रियात्मकता है तो ये ज्ञान सार्थक है, और उसमें क्रियात्मकता नहीं तो ज्ञान क्या है, निरर्थक है। और साध्य देवी ये भी मानते हैं ज्ञान कर्म करने का एक उपकरण है, ज्ञान क्या है, कर्म करने का एक उपकरण मात्र है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने जीवन की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के समर्थ होता है, योग्य होता है, उसके अंदर शक्ति विकसित होती है। इस तरीके से बौद्धिक शक्ति का विकास करके जीवन की विभिन्न समस्याओं को संशोधित करता है और उसको प्राप्त करने में अपनी सहायता देता है, इसका खत्म हुआ। हम अब अगले दिन प्रयोगवाद पढ़ेंगे, है ना, ज्ञान देवी का प्रयोगवाद क्या है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग निमित्तवाद के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण बातें थी उसका आशय क्या है, फिर उसमें अन्य विद्वानों ने इसके बारे में क्या कहा, रसिक महोदय ने उनको हमने देखा, फिर ज्ञान देवी स्वयं अपने इस नैमित्तिकवाद की व्याख्या किस रूप में करते हैं, फिर इससे सारी बातों का हमने निचोड़ देखा, इन सारी बातों से ही क्या निचोड़ निकल के आता है, क्या निष्कर्ष निकल करके आता है। तो हमने यही पाया कि साध्य की अपेक्षा साधन सर्वोपरि है। क्यों सर्वोपरि है, इसलिए कि जो ज्ञान है उसको ज्ञान को कर्म करने का एक उपकरण है, जिसको हम करके क्रियात्मकता के द्वारा प्रखरता अपने जीवन में लाते हैं, सत्ता लाते हैं, बौद्धिक समझ विकसित करते हैं, और बौद्धिक समझ विकसित हो जाने के पश्चात हम अपने जीवन की विभिन्न समस्याओं को हल करने के समर्थ हो जाते हैं, हल करने के योग्य हो जाते हैं। अतः साधन की अपेक्षा साध्य अधिक महत्वपूर्ण है, मगर साधन के साध्य की प्रतीति और उपलब्धि होना संभव नहीं है। ठीक है, ये तो जानने में क्या नैतिक बात है जिस पर कि हम लोगों ने अभी विचार व्यक्त किया। आशा करते हैं कि आप लोगों को बातें स्पष्ट हुई होंगी, समझ में आई होंगी, और अगर आई होंगी तो हमारा वक्तव्य सार्थक होगा। ऐसी आशा विश्वास के साथ हम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप लोगों ने अंत तक देखा, एक बार पुनः धन्यवाद।